से ठहरी राजधानी, आखिर कैसे समय पर दफ्तर पहुंचे, बड़ा सवाल है। दरअसल मॉनसून सीजन में बदहाल राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था, सहकार मार्ग, 22 गोदाम, गोपालपुरा बाईपास सहित कई जगह जाम के हालात बन गए हैं। इतना ही नहीं, एक एक घंटे तक जाम से नहीं निकल पा रहे राहगीर। सचिवालय सहित अधिकांश कार्यालय जाने का रास्ता ही सहकार मार्ग है, लेकिन वहां पर ही इतना ट्रैफिक जाम होगा, तो जरा सोचिए वो लोग जो समय पर दफ्तर पहुंचना चाहते हैं वो कैसे पहुंचेंगे। अब ये किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है? आज तो इतनी बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं, क्योंकि मॉनसून सीजन में ऐसी समस्या बन जाती है जब बारिश में मशक्कत होती है, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है, सड़कों पर गड्ढे होते हैं और जो राहगीर होते हैं, वहां चालक होते हैं, वो खुद का बचाव करते हुए निकलते हैं, थोड़े से स्लो हो जाती है रफ्तार। लेकिन आज आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ी, इतना जाम क्यों, जिससे पूरी राजधानी ठहरी हुई नजर आ रही है, इतना स्लो आखिर क्यों, राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को आखिर हुआ क्या, ये समझ से परे जाम के हालात स्थिति जरा देखिए। सहकार मार्ग 22 गोदाम, जहां एक एक घंटे तक जाम से नहीं निकल पा रहे राहगीर। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, वाकई तस्वीरें हमने देखी, डराने वाली है। आखिर राजधानी जयपुर को हुआ क्या, आखिर ये ठहर कैसे गई, इतने ज्यादा जाम के हालात, मुख्य वजह क्या नजर आती है? जी, अभी आज की अगर बात करें तो जयपुर में अधिकांश, देखिए आप दफ्तर जाते वक्त जो लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त ट्रैफिक व्यवस्था के चलते देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग, आप जो भी व्यक्ति गोपालपुर बाईपास टोंक रोड होते हुए और सहकार मार्ग होते हुए दफ्तर निकलता है, उस व्यक्ति के, क्योंकि सबसे कॉमन रास्ता है सरकार के, अधिकांश जो दफ्तर है उन दफ्तरों में जाने का ये कॉमन रास्ता है। और कोई कर्मचारी अगर सुबह 8:30 बजे भी घर से निकलता है, 9 बजे घर से निकलता है, तो भी वो 10 बजे दफ्तर नहीं पहुंच सकता है। ऐसे हालात इस वक्त जाम के अंदर बने हुए हैं। मैं आपको विजुअल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात का, इसको बताती है कि क्या ट्रैफिक की स्थिति है इस वक्त जयपुर शहर के अंदर। आप देखिए, इस वक्त सहकार मार्ग की स्थिति अगर बात करूं तो मैं खुद अनुभव बता रहा हूं इस चीज का, कि तकरीबन 1 घंटे का समय लग चुका है लोगों को उस सहकार मार्ग से निकलने के लिए। उससे पहले उनकी चुनौती रही गोपालपुरा बाईपास की, उनकी चुनौती रही टोंक रोड की, और उसके बाद में अब तीसरी चुनौती उनके लिए सहकार मार्ग की। तो ऐसे में अधिकांश जो कर्मचारी है जो कि इस रूट से आते हैं, वो सभी लोग दफ्तर में लेट हो गए और उन सभी लोगों ने, लेकिन विकास जी, मॉनसून सीजन का, विकास जी मॉनसून सीजन का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है तो लोग अपना बचाव करते हुए निकलते हैं कि सड़कों पर गड्ढे हैं तो रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन आज तो छितराई बारिश है, फिर भी इतना ज्यादा ट्रैफिक, वजह क्या लगती है आपको? देखिए, अगर सहकार मार्ग की बात करें तो वहां की वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि विधानसभा में इस वक्त जो हंगामा की स्थिति बनी हुई है और वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, उसके चलते जो सहकार मार्ग से जो इधर विधानसभा की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है। उसके चलते जो अधिकांश जो वाहनों का दबाव है, वो पूरा दबाव इस पूरे सहकार मार्ग पे आ गया है। इसी के चलते यहाँ जबरदस्त जाम है। हालांकि जो चौराहे हैं वहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, लेकिन कह सकते हैं कि वो जो स्थिति बनी हुई है कि एक बार वाहन को निकालने के बाद में लाल बत्ती बंद कर दी गई है, उसके बाद में एक वाहन को निकालने के लिए आपको घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है, इस तरह की स्थिति इस वक्त सहकार मार्ग पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है, देखिए ये जो खबर है हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों की पीड़ा, आप तस्वीर हम देखिए, सहकार मार्ग में एक तरफ जहां जाने वाले लोग है वो पूरी रोड पूरी तरह पैक पड़ी हुई है, जबकि उसके ठीक बगल वाली जो आने वाली रोड है वो पूरी रोड खाली पड़ी। तो यानी कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था का संतुलन जो है वो इसमें गड़बड़ाया नजर आ रहा है, इसी के चलते ये जाम जो है ऐसी। लेकिन अगर ये कारण विधानसभा में चल रही कार्यवाही की वजह से है तो ये फिर भी ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की नाकामी है, क्योंकि विधानसभा तो लंबे समय से चल रही है और हर साल ऐसी स्थिति अगर होती है और इसी वजह से ट्रैफिक की जाम जैसी स्थिति बनती है तो फिर इससे बड़ी नाकामी और कुछ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।